नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज का ताजा मुद्दा। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार। राहुल गांधी ने सिद्धू के सामने किया ऐलान। लंबे समय तक सस्पेंस रखने के बाद पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राहुल गांधी ने लुधियाना में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए खुद यह ऐलान किया। इस दौरान चरणजीत चन्नी के अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मंच पर मौजूद थे। चन्नी के नाम का ऐलान करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमें गरीब घर का मुख्यमंत्री चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, भूख को समझे, जो गरीब व्यक्ति के दिल की घबराहट को समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल फैसला था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस में सदा चन्नी सीएम का नारा दिया और चुनाव प्रचार का आगाज किया। राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने संसद में कहा था कि देश में दो भारत बन रहे हैं, एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। अब पंजाब के लोगों ने भी कहा है कि उन्हें ऐसा सीएम चाहिए जो विनम्र पृष्ठभूमि से आए। मैं इस बात से सहमत हूँ, ये सोच आपकी है। राहुल गांधी के ऐलान करते ही सिद्धू ने चन्नी का हाथ उठाया और फिर दोनों को राहुल गांधी मंच की ओर ले गए। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी साथ दिखे। राहुल गांधी ने घोषणा के बाद चन्नी, सिद्धू और जाखड़ तीनों ही नेताओं को गले लगाया। वहीं AICC के सोशल मीडिया प्रभारी गौरव पांधी ने कहा, हमारा ध्यान चीनी सरकार द्वारा 101 दिनों में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालना होगा। पंजाब कांग्रेस द्वारा किए गए वादे, जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल भी शामिल है, अगले 10 दिन में एक नया सोशल मीडिया अभियान शुरू करेंगे। आम लोगों के साथ सीएम का ज्यादा डिजिटल इंटरेक्शन होगा। अब हम सीएम चीनी के इर्द गिर्द घूमते हुए गाने, एनिमेशन वीडियो लॉन्च करेंगे। बता दें कि बीते कई दिनों से सीएम पद के ऐलान को लेकर काफी अटकलें चल रही थी, जिसके चलते सिद्धू और चन्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अपने चरम पर था, जिसे अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है। धन्यवाद।